वो आदमी सचमुच में अभागा है कि जिसको कोई कहने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। अगर श्रेष्ठ पुरुष कहते टोकते तो हमारा कल्याण होता है, नहीं तो क्या है कि फिर विरोधी हमारी टांग पकड़ के नीचे उतारते, उसमें राग द्वेष बढ़ जाता है। पहले के जमाने में धर्म की रोक टोक मानकर राजा बूढ़े होने के पहले राज की आसक्ति छोड़कर एकांत में भजन करने चले जाते थे। अभी अगर नहीं जाते हैं तो विरोधी पार्टी वाले टांग खींच कर भी उनको एकांत में भेज देते हैं। बीपी सिंह को भी एकांत कर दिया और नरसिंह राव को भी टांग खींच के एकांत कर दिया, दुनिया जानती है। उसके पहले अगर ये सज्जन एकांत में चले जाते तो शायद आदर ज्यादा रहता। जीवन में वैरागी भी चाहिए, त्याग का सामर्थ्य भी चाहिए और वाहवाही के साथ साथ थोड़ी अंतर्दृष्टि भी चाहिए कि वाहवाही जो कर रहे हैं वो तो अपना काम बनाने के लिए वाहवाही कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, वो हम जितना जानते हैं उतना लोग नहीं जानते हैं। जय राम जी की। जहाँ हमारी कमी हमें दिखे उसको हम सुबह रोज ध्यान के समय भजन के समय उस कमी को उखाड़ दें। मानो हम में डर है तो ओम ओम ओम, जरा जरा बात में डर किस बात, आज भय को नहीं पटकने दूंगा, मैं निर्भय रहूंगा। मानो मेरी चोरी करने की आदत है, आज का दिन मैं चोरी नहीं करूंगा, आज मैं साहूकार बनूंगा, हरे ओम हरे ओम। मानो मेरे को किसी को देखकर आंख मारने की आदत है, मान लो जयराम जी की, मान लो तो आज आज जो भी बहू बेटी दिखेगी मेरी माँ और बहन के बराबर रहेगी। आँख क्यों मारूंगा, अगर आँख मारूंगा भी तो जैसे बहन को यूं करता हूं या माँ को यूं करूंगा, ऐसी पवित्र निगाह से करूंगा, नहीं तो फिर उसके अंदर में मेरे परमात्मा को देखूंगा। तो एक एक बुराई को उखाड़कर उसकी जगह पर विपरीत भाव, बुरे भाव की जगह पर विपरीत भाव क्या होगा, अच्छा भाव होगा। मानो मुझे चलते चलते खाने की आदत है, कैंडी खाने लग गया, मैं फूंकने लग गया, पान मसाला खाने लग गया कि नहीं आज का दिन पान मसाला नहीं, हरड़े का टुकड़ा खाऊंगा, पान मसाले में तो निकोटिन पॉइजन, ये अच्छी नहीं है। एक दिन में कोई महात्मा नहीं बन जाता और एक दिन में कोई वृक्ष फलित नहीं हो जाता है, एक दिन में कोई सती सावित्री नहीं बन जाती और एक दिन में कोई पवन सुत हनुमान नहीं बनता। धीरे 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 दुर्गुण निकालते जाते, सद्गुण भरते जाते हैं, तभी सत्य स्वरूप की कृपा प्रकाशती है। बोले सतपुरुष है महापुरुष है, लेकिन हम भी भाई फिसल फिसल के ही चले हैं। जय राम जी की। ऐसा कोई धरती में माई का लाल कह दे कि मैं जन्मा और दौड़ने लगा चलने लगा तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। जन्मा तो चला, धीरे धीरे सीखा, गोड्डों के बल से चला, फिर कहीं गिरा, फिर गाड़ी के बल से चला, फिर गिरा, ऐसे चलना चाहिए, सीखना चाहिए।